हेलो एवरीवन, इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 5 की इस वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ। किटी, आई एम स्पीकिंग टू यू लाइव मींस दैट किटी इज इन द मिडल ऑफ अ लाइव ब्रॉडकास्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पे हम उस काम के बारे में, उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो। जैसे जब किटी कहती है आई एम स्पीकिंग टू यू लाइव, इसका मतलब है कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट में किसी से बात कर रही है। और बाकी एग्जांपल्स देखते हैं। इट्स रेनिंग एट द मोमेंट। आई एम वॉचिंग दिस प्रोग्राम। लुक, That man is taking a photo of you. They are playing cricket in the park right now. She is reading a fascinating book. We are discussing the new project. तो इन सभी sentences में action उस time पे हो रहा है जब बात हो रही है, इसलिए हम present continuous tense use कर रहे हैं। और next slide देखते हैं। Present simple sentence. We use present simple for repeated actions. I often speak live to the camera means that she does it again and again. तो हमारे सामने फिर वैसी ही सिचुएशन है पर थोड़ा चेंज है। इस टेंस में एक्शन बार बार रिपीट होता है। तो किटी अगर कहती है I often speak live to the camera, उसका मतलब है कि वो काम वो बार बार करती है, वो एक्शन बार बार रिपीट होता है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हम नीचे देखते हैं। It always rains at the weekend. I watch television most weekends. He's a photographer. He takes lots of photos. Ramesh goes for a walk every morning. She visits her grandmother every Sunday. We have a meeting every Monday. तो इन सेंटेंसेस में कोई काम या तो वीकेंड पे हो रहा है, जहाँ रोज हो रहा है, जहाँ वो बार बार हो रहा है, इसलिए इन कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हैं थॉट्स, फीलिंग्स एंड स्टेट्स, ये कैटेगरी। और इसके रूल्स देखते हैं। पहले, वी नॉर्मली यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग्स। आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्राम। किटी लाइक्स अ जॉब। We also use it to talk about states and permanent facts. तो present simple tense को हम normally use करते हैं thoughts के बारे में या feelings के बारे में बताते हुए। जैसे example है I think it's a good program। वो program के बारे में अपने thoughts बता रहा हूँ मैं। Kitty likes her job। इसकी feeling है कि उसको अपनी job पसंद है। और हम इस tense को स्टेट्स या परमानेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हुए भी यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स हैं हमारे पास। रिपोर्टिंग मींस अ लॉट टू हर। पेपर बर्न्स इजीली। ये उसकी स्टेट है पेपर की कि वो इजीली बर्न हो जाता है। आई बिलीव इन ऑनेस्टी। ही फील्स टायर्ड आफ्टर वर्क। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये परमानेंट फैक्ट है। I love Indian cuisine. और next slide में हमारे पास है कुछ और conditions और जहाँ situations यहाँ हम ये tense use करते हैं। और वो है हमारे पास कुछ expressions जैसे I promise, I agree और I refuse। Examples देखते हैं। I promise I will write to you. It's all right. I forgive you. I agree with your point. I refuse to accept this behavior. और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, टेम्पररी और परमानेंट। तो हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस सिचुएशन में यूज करते हैं। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर ए रूटीन और सिचुएशन दैट वी सी एज टेम्पररी और फॉर ए शॉर्ट पीरियड। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस उस सिचुएशन में यूज करते हैं जो कि हमें रूटीन में होने वाला काम लगता है, जहाँ ऐसी सिचुएशन जो कि टेम्पररी है।
एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई एम वर्किंग एट ए स्पोर्ट्स शॉप फॉर 6 weeks. ये एक रूटीन है. एट द मोमेंट दे आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट. शी इज स्टडिंग फ्रेंच दिस सेमेस्टर. ही इज स्टेइंग विद हिज कजिन्स फॉर द समर. वी आर यूजिंग द कॉन्फ्रेंस रूम दिस वीक. पहला सेंटेंस छोड़ के, क्योंकि उसमें हमें फ्यूचर का नहीं पता कि वो जॉब उसे पसंद है या नहीं, बाकी सारे सिचुएशंस में जो एक्शन है वो टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए वो उस काम को कर रहे हैं. और हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट सिंपल कौन सी सिचुएशन में यूज होता है. वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर ए रूटीन और सिचुएशन दैट वी सी एज परमानेंट. तो कोई रूटीन या सिचुएशन जब परमानेंट होगी तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल. जब वो टेम्पररी थी तब हमने यूज किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो एग्जाम्पल, आई वर्क एट अ स्पोर्ट्स शॉप, इट्स अ परमानेंट जॉब. दे लिव इन अ वेरी नाइस फ्लैट. शी स्टडीज फ्रेंच. ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स. वी यूज द मेन ऑफिस फॉर आवर मीटिंग्स. अगर आप वीडियो बैक करके देखेंगे तो ये सारी सिचुएशंस सेम या सिमिलर हैं पिछले स्लाइड वाली सिचुएशंस के साथ. बस इसमें फ़र्क ये है कि ये सिचुएशन अब परमानेंट हो गई है. ये रूटीन अब परमानेंट है, टेम्प्रेरी नहीं है, कुछ टाइम के लिए नहीं है. ये हमेशा ही, ये काम, ये एक्शन हमेशा ही होता है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. हम ऑलवेज वाली सिचुएशन को, जो कोई काम हमेशा ही होता है, उसको कैसे यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. वी यूज ऑलवेज विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू मीन वेरी ऑफन, यूजुअली विद एडेड मीनिंग ऑफ टू ऑफन. तो ऑलवेज को हम जो काम बहुत ज़्यादा बार हो रहा है, वेरी ऑफन या टू ऑफन जैसे फ्रेजेस के साथ यूज करते हैं. तो ये दोनों फ्रेजेस एक मीनिंग भी कन्वे करते हैं कि वो काम बार बार हो रहा है. तो वो सेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज के साथ. जैसे राज इज ऑलवेज इनवाइटिंग फ्रेंड्स हियर. उसका मतलब है ही इनवाइट्स देम वेरी ऑफन, बहुत बार. मतलब उनको बुलाने की, इनवाइट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है. आई एम ऑलवेज मेकिंग सिली मिस्टेक्स. इसका मीनिंग है आई मेक सिली मिस्टेक्स टू ऑफन. मैं बहुत बार गलतियां करता हूं, वो भी सिली मिस्टेक्स. शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग. शी कंप्लेन्स वेरी ऑफन. समथिंग का मतलब ये हो गया वो किसी भी चीज के बारे में कंप्लेन कर सकती है, उसकी आदत ही है कंप्लेन करने की. दे आर ऑलवेज अराइविंग लेट. दे अराइव लेट वेरी ऑफन, इसलिए हम यूज करते हैं. तो इस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं ऑलवेज के साथ अराइविंग. दे आर ऑलवेज अराइविंग लेट. ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज. और इसका मतलब है वो अपनी कीज को बार बार खो देता है, इसलिए हम कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे ऑलवेज के साथ. ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज. और हमारी लास्ट स्लाइड, ऑलवेज को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस सेंस में यूज करते हैं. Always with the present simple means every time. Present continuous में उसका meaning था very often, बहुत बार, उसकी frequency ज़्यादा थी. यहाँ always का मतलब है हर बार. Examples देखते हैं. Raj always invites us to stay at Christmas. इसका मतलब है he invites us every Christmas. I always make silly mistakes in exams. Present continuous वाली slide में हमारे पास सेंटेंस था आई एम ऑलवेज मेकिंग सिली मिस्टेक्स. उसका मतलब है कि मैं बहुत बार सिली मिस्टेक्स करता हूँ, पर एग्जाम से एक स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई तो वहाँ पे मैं हर बार करता हूँ, हर बार मेरी सिली मिस्टेक्स होती है. तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा. शी ऑलवेज हेल्प्स हर नेबर्स. शी हेल्प्स देम एवरी टाइम. वी ऑलवेज सेलिब्रेट दिवाली टुगेदर. वी सेलिब्रेट इट every year. And last sentence, he always brings a gift
व्हेन ही विजिट्स, तो जब भी वो विजिट करता है वो हर बार गिफ्ट लेकर आता है। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बीच में कुछ डिस्टिंक्शंस देखी हैं। इसके साथ रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।